हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंजूर हुसैन एंड यू आर वाचिंग जीएस शॉप। जैसे कि कल हमने क्लास 8 का 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर हमारे को दिया गया है, जिसका पेरीमीटर दिया गया है कितना, टोटल 154 मीटर का। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ यहाँ पे मेंशन थोड़ी सी की गई है, वो इस लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स, मोर देन किसके, ब्रेथ के ट्वाइस के। दैट मींस एक्स, अगर हमारे पास ब्रेथ क्या है, एक्स है, तो मान लेंगे उसका डबल कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 बन जाएगा हमारे पास। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, हमारे को क्या निकालना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर क्या है 154 है। अभी ब्रेथ नहीं दी है, लेंथ थोड़ी सी इस तरह से दी है 2 मीटर करके, तो मोर देन ट्वाइस इन ब्रेथ के करके कुछ दिया हुआ है। तो हम यहां से हमें पता चलता है इसकी ब्रेथ नहीं दी हुई है, तो ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ब्रेथ क्या है, एक्स है, एक्स मीटर की है। तो अगर हमारे पास ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर लेंथ हो जाएगी कितनी, 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर मोर देन किसके, ब्रेथ के ट्वाइस के। ब्रेथ कितनी है हमारे पास, एक्स है, उसकी डबल कर देंगे, ब्रेथ ट्वाइस कर देंगे, 2x प्लस 2 कर देंगे, तो यहां से हमारी क्या निकल के आएगी, लेंथ निकल के आएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो हम पेरीमीटर देखेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस पी, लेंथ प्लस ब्रेथ होती है। तो पेरीमीटर कितना है, 154 दिया है, 2 × लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ अभी हमने लिखी 2x प्लस 2 प्लस फॉर्मूले का प्लस, और ब्रेथ कितनी है, x है। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से लेंथ और ब्रेथ का निकाल सकते हैं, तो 154 इक्वल्स टू 2x प्लस x, 3x प्लस 2 यहाँ से बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट दी गई है यहाँ पे इसके साथ, यहाँ पे हम इसको अंदर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 154 इक्वल्स टू 2 × 3, 2 × 3 जा 6x, और 2 को फिर 2 से करेंगे, 2 × 2 जा 4। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोजिंग का कंसेप्ट आता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे 4 को, जब हम शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के उस तरफ, तो वो क्या आ जाएगा, -4 बन जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 154 यहाँ से इधर आ गया, -4 बन गया 6x, तो 154 में से 4 गए तो कितने बच जाएंगे, 150 इक्वल्स टू 6x। तो यहाँ पे x और 6 दिया गया है, 6x दिया हुआ है, x और 6, तो ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, x के साथ, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, x करके, x इक्वल्स टू 150 सेम लिखा, 6 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 150 अपॉन 6 आ जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 150 को जब 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो हमारी ब्रेथ यहां से निकल के आ गई, ब्रेथ कितनी निकली, 25 मीटर, फॉर ब्रेथ आगे हमारे पास 25 मीटर। तो लेंथ क्या है, लेंथ के लिए हमने देखा था 2x प्लस 2, तो 2 × x, x की वैल्यू भी फाइंड की, 25 प्लस 2, तो आप इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 25 × 2, 50 और प्लस 2, 52। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसकी लेंथ भी अब निकल के आ गई, लेंथ कितनी निकली, 52 मीटर।